अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम हमजा की फरमाइश पे, तला इतना डिप्रेशन में था क्योंकि तला का क्या कैसे है, अभी तक शादी की शॉपिंग नहीं हुई, उस डिप्रेशन के बाद भी हमजा की फरमाइश पे हमजा ने बोला कि मुझे अलहदा का हलवा खाना है जो कि नया नया खुला है, तो हम उसी के रास्ते में अभी निकल रहे हैं और थोड़ी देर में हम पहुँच सकते हैं। हमजा, तुम्हें इसके अलावा भी कहीं और जाना है? बीच पे। बीच पे इतनी गर्मी में? तला, डू यू वॉन्ट टू गो बीच ऑल्सो? और राइट, सो इसके बाद देखते हैं। बीच में मुझे कोई शौक नहीं है, बट अभी हम रस्ते में, सो मेरे साथ रहे इंशाल्लाह ब्रो, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो फाइनली हम लोग अलहदा के अलबैक के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन वही एज यूजुअल सीन ये है कि यहाँ पर पार्किंग हमें ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि पार्किंग तो यहाँ पर है ही नहीं। पार्किंग तो है लेकिन अब पार्किंग जो हमें कॉइन्स डालने हैं, तला वो देख गोभी को वो नहीं, तो फिलहाल अभी हम लोग वो ढूंढ रहे हैं कि हमें पार्किंग के पैसे कहाँ लाना है, पार्किंग की मशीन के तहत। तो ये है अलहदा और ये रहा पीछे अलबैक यूनियन को आपके बिल्कुल पास। पार्किंग हाँ फ्री है ब्रो। तो अभी हम एक भाई से पूछ रहे हैं, वो फ़ोन पे लगे हैं और उनको ये नहीं पता कि हम क्या पूछ रहे हैं। सो ये रहा मेरे बिल्कुल पीछे अलबैक और हम कहीं तो कल अंदर पार्किंग पार्क करने गया गाड़ी और हम उसका वेट करेंगे और अलबैक का। सो यूनियन कोप के हम एंटर हो चुके हैं और ये है यूनियन कोप और ये है यहाँ का अलबैक। सो फाइनली हम अलबैक और ये अलहदा के और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ ज़्यादा भी नहीं है और आराम से ऑर्डर मिल सकते हैं यहाँ पर। अब ये नहीं पता कि यहाँ ब्रोस क्योंकि ब्रोस सिर्फ क्या कहते हैं एक शाहजहाँ वाली में ही सिटी सेंटर में, हर जगह अलबैक में ब्रोस अवेलेबल नहीं है। तो कहा गया है ऑर्डर लेने के लिए और हमारा जो ऑलवेज जो ऑर्डर होता है वो होता है ब्रोस, नगेट्स और प्रॉन्स। तो भी देखते हैं क्या क्या ऑर्डर है। प्लान हमारा चिकन सैंडविच तो आ गई इतनी जल्दी यार, विद इन 2 मिनट्स इन्होंने हमें दे भी दिया यार, और बाकी दो चीज़ें स्टिल हम वेटिंग पर हैं, वो खड़ा तला ऑर्डर के लिए और हम यहाँ बैठे नहीं, यहाँ जगह नहीं मिलती और अब शाम होने वाली है और रश बहुत होने वाली है। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह पे इन्होंने बनाया है, इन्होंने जो क्या कहते हैं बिल्कुल मार्केट पॉइंट के बीच में, क्योंकि अब हमें करीब ही पड़ता है, वरना हमें पहले ये होता था कि हमें पहले शाहजहाँ जाना पड़ता था, वहाँ से अलबैक खाते थे, लेकिन ये है कि ये इत्तेसलाब से बहुत करीब है अलहदा के पास। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ब्रोस नहीं है, तो ब्रोस हमारा फेवरेट है। शाम के 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है, जब हम आए थे तो इतना रश नहीं था लेकिन अब लाइन लग चुकी है और बाहर तक है, तो हम सही टाइम पर आ रहे हैं। स्टिल वेटिंग फॉर शिल्प मार्केट्स, फेवरेट है हमारा, वेट करें। सो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया और हमजा का वेट करें। हमजा को कहाँ भेजा तुमने? हमजा को कहाँ भेजा? ओ माय गॉश, ड्रिंक्स लेने भेजा हमजा को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ हमारी फेवरेट ड्रिंक लेती हैं पेप्सी और सेवन अप, हमने ड्यू दी तो इसीलिए हमजा को भेजा है ड्रिंक लेने। सो ये रहा हमारा ऑर्डर है और अब हम इसको खाने वाले हैं, नगेट्स स्ट्रिंग्स एंड चिकन सैंडविच। चलो टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट सेम है कि नहीं। तो अलहमदिल्ला फाइनली हमने अलबैक खा लिया। हमजा, अलबैक कैसा था आपका? अलहदा अलहमदिल्ला अच्छा था। तुम्हारा टेस्ट कैसा था? पूछा भी नहीं सर टेस्ट का, याद आया आपको नहीं पूछा कि यार कि आप लोग टेस्ट करो ना फारस का नहीं जाते। अच्छा, तो पूछ तो लेते फिर भी फारस। तो सर ये जो भी ऑर्डर करता है बेकार करता है, तो उसके बाद बोलते हैं फारस था खाने के बाद। तो अलहमदिल्ला कुछ सर हमने खा लिया, नगेट्स और श्रिम्स अच्छा था, टेस्ट सेम ही अलबैक का, बट बस ये बैक सीन देखते हैं आप दोस्त आए तो हम देखते मेरा मेरे साथ भी कर दिया था। तो अभी हम यूनियन कोर्ट के अंदर हैं और देखने आए यहाँ पर ये क्या सीन है, क्योंकि यूनियन कोर्ट की तो अंदर ज़रा विजिट करते हैं। ये है यूनियन कोर्ट, उसका बेकरी सेक्शन, फिशरी, ग्रिल्स, रेडी फूड, बुचरी लास्ट में है, फ्रेश चिकन और यहाँ पर भी ये क्या कहते हैं प्रमोशन चल रही है। सो यूनियन कोर्ट के अंदर और बहुत बहुत ज़बरदस्त क्लासिक ब्रांच है, इसके भी 4-5 ब्रांचेज हैं और यहाँ भी रश नहीं है इतना, वीकेंड के होने के बावजूद यहाँ रश नहीं है और यहाँ भी प्रमोशन चल रहे हैं।
नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन ये रहा हमारे सामने। तो हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लें क्या नहीं लें। वैसे तो हम विज़िट करने आए थे और लेने का कोई हमारा इरादा कुछ भी नहीं, तो हमने बोला चलो विज़िट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर सब चीज़ें मौजूद हैं और ये बहुत बड़ी है, मैंने को भी है अलनाता के पास, वहीं अलबैक नया ओपन हुआ है, सो आप लोग भी विज़िट कीजिए। प्रमोशन भी चल रही है और ये इनका है नॉन फूड सेक्शन पूरा। बैक टू स्कूल प्रोमो चल रहा है यहाँ पर और सन्नाटा पड़ा। तो सारे सेक्शन इनके लाइन से बने हुए हैं, कुकिंग, इलेक्ट्रिकल, ब्लीच वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और प्रमोशंस के साथ। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी है। तो फाइनली यूनियन को पूरा घूमने के बाद हम यूनियन कोर्ट के पार्किंग में आ सके। सो अभी हमें टोटल पेट्रोल उनके पास और गाड़ी के कवर चेंज करवाने, शारजा में मौजूद हैं, पैसे कैश नहीं था तो हम लोग ए टी एम के पास, ए टी एम से निकलवाने के लिए। मतलब कितने निकालने, 4,000 5,000? पेट्रोलम का मार्ट और कुछ ले भी लेंगे अपने लिए यहाँ से। हम तो क्या पियोगे, कुछ पियोगे ठंडा पानी यार, मैं तो यार कुछ ड्रिंक्स वेंक यार। तो खैर पैसे निकलने फिर हमें जाना वापस। सो थोड़े एनर्जी के लिए मैंने सोचा कि चॉकलेट मिल्क ले लिया जाए, क्या पता थोड़ी एनर्जी आ जाए। बहुत बहुत पी रहे हो तुम। हम जो पानी के पास लेके और मैं जो इसकी उसी का मैंने ये ले लिया। और देख रहे हैं आप ट्रैफिक आज बहुत है, तो काइंडली सैटरडे को 8:30 बजे के करीब ना निकलेंगे, यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। तो अब हम जा रहे हैं वापस गाड़ी वाले के पास, गाड़ी के कवर जहाँ से हमने लगवाने। सो फाइनली कवर हमने सेलेक्ट कर लिया और सीट पीछे के निकाल लग चुके हैं। और ये है शारजा की मार्केट कवर की शॉप, और ये कवर लग चुका है और ये इसको सही से पेंट करो। कवर वैसे ही ऐसे है दिखने में, तो क्लासी है कवर। इसके बाद पूरी गाड़ी की सेटिंग चेंज कर ऑन है सीन। तो सो फाइनली पूरा गाड़ी का गाड़ी का हमने काम करा लिया है, खाने भी खा लिया है। तो बीच जाने का सीन था लेकिन थकन से बीमार हो चुके हम लोग, तो हमारा कोई सीन नहीं बीच जाने का। सो आज के मतलब बीच खत्म होता है। आप जैसे गाड़ी का वैसे देख रहे हो, देख रहे हैं ब्लैक मतलब दिखाओ तो सही यार। तो गाड़ी वाड़ी का सर। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड